दोस्तों, आज हमारे बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं वरिष्ठ लेखक और कवि रंजीत वर्मा जी। रंजीत वर्मा जी का जो जब जिक्र होता है तो सबसे बड़ी बात जो सबसे सामने पहले सामने आती है वो ये कि ये एक जनपक्षधर, प्रगतिशील, जनवादी और क्रांतिकारी धारा के प्रमुख लेखक और कवि हैं। रंजीत वर्मा जी पटना में रह रहे हैं अभी, और आप लोगों को याद होगा कि एक दौर में कविता 16 मई के बाद का एक आंदोलन जैसा शुरू हुआ था और उसके सूत्रधार रंजीत वर्मा जी ही थे जिन्होंने अपनी पहल से जो पूरे देश भर में बिखरी हुई राजनीतिक सांस्कृतिक चेतना जो है उसको इकट्ठा करने का प्रयास किया। रंजीत वर्मा जी आजकल अपने जुटान कार्यक्रम के जरिए अपने मंच पर प्रगतिशील धारा के, जनवादी धारा के, क्रांतिकारी धारा के कवियों, लेखकों, संस्कृति कर्मियों को मंच दे करके उनसे जनता से रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। रंजीत जी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहते हैं, इनकी कविताएं, इनके लेख आलेख नियमित प्रकाशित होते रहते हैं। शुरुआती दौर में 1978 में इन्होंने पल्लवी नामक पत्रिका निकाली थी जिसके 4 अंक निकले थे और बाद में वो नहीं निकला। इसके बाद उन्होंने जसम की पत्रिका नई संस्कृति का संपादन किया और 83 से लेकर 87 तक। उसके बाद विरासत और समकालीन तीसरी दुनिया के संपादक मंडल में भी रहे। रंजीत वर्मा जी की के 3 कविता संग्रह आ चुके हैं, पीछे न छोड़ते निशान, एक चुप के साथ, और तीसरा है लकीर, कहीं एक खींचनी होगी। इतना तो मैं जानता हूँ रंजीत जी के बारे में। अब मैं गुजारिश करूंगा कि रंजीत जी जो है वो अपने बारे में थोड़ा हमें बताएं लोगों को। नहीं, ये इतना काफी है। वैसे इसमें कुछ बातें और जोड़ी जा सकती हैं, कुछ पहले से और कुछ बाद में। जैसे कविता एक बीच की बात ये मैं कहना चाहूंगा कि जब कविता 16 मई के बाद शुरू हुआ तो आंदोलन सफल था, मुहिम था एक जो, लेकिन बाद में ऐसे जुटान जो मैंने अभी शुरू किया जिसके बारे में आपने अभी बताया, तो जब मैं दिल्ली में ही था तो जुटान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। वह लॉकडाउन का वक्त नहीं था इसलिए कार्यक्रम बाहर होते थे और इधर लॉकडाउन के कारण जो है सो लाइव वाला काम सब कर रहे हैं, करना पड़ रहा है। नहीं तो पटना भी आने के बाद मैं लगातार ये काम करता था। जुटान का एक नारा मैंने दिया था जिसमें था कि हमें तोड़ने होंगे बाड़े, हमें काटनी होंगी बेड़ियां। तो ये बाड़े तोड़ने की जो बात है वो इसलिए थी कि हिंदी में लिखते हुए भी इसको बिल्कुल कई बाड़ों में बांट दिया गया था। हिंदी कई बाड़ों में बट चुकी थी, हिंदी में कविता लिखते हुए भी कई साथी हमारे वो ये ऐसा है कि पूरी ऐतिहासिक प्रक्रिया में सब घटित होता है और इसको किसी एक मुहिम से या 150 लोग मिलके भी उस तरह खत्म नहीं कर सकते, या फिर एक अपने ऐतिहासिक प्रक्रिया में ही यह चीजें खत्म होंगी और धीरे धीरे खत्म हो भी रही हैं। इसी में आदमी लगता है, अपनी ओर से प्रयास तो करता है। तो यह करीब 80 के दशक में बाद के दिनों में जब दलित आंदोलन जैसा शुरू हुआ कहा गया तो दलित साहित्य को भी बांटा गया, हिंदी साहित्य को बांट के दलित
खाते में डाला गया कुछ जिसमें दलित लेखक गए, उसमें दलित के लेखक भी चाहते थे। उनका भी 30 साल का अनुभव जो है वह बता रहा है कि अलग अलग हट करके प्रतिरोध की धारा कुंद होती है। आदिवासियों के लिए आदिवासी साहित्य बनाया गया अलग, वह भी एक अपने आप में अब एक जगह जाके वह भी अवरुद्ध है। और वहाँ भी दरअसल होता क्या है कि एक घुटन माहौल में आ जाता है तब जब जैसे समाज का राजनीति का दो पक्ष होता है, साहित्य का भी दो पक्ष होता है। एक जाहिर तौर पर एक सत्ता का पक्ष होता है, एक विपक्ष का पक्ष होता है। तो प्रतिरोध का पक्ष जो होता है वह विपक्ष होता है, और वह लड़ता है इसके लिए कि कविता को जैसे व्यापक जितनी होनी चाहिए खुल करके, वह व्यापकता में नहीं जा पाती है। इसका एक इसके कई लंबे माने कि आप जाएंगे समय में देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह इसकी प्रक्रिया बहुत पहले से ही शुरू है। शुरू से ही जब हिंदी में कविता लिखने का कविता ही नहीं साहित्य को ही लीजिए आप, तो हिंदी साहित्य में जो अभी यहाँ अगर हम अभी में ही आए कहते हैं कि जो एक बात आती है मुख्य धारा की, तो मुख्य धारा क्या है आखिर, मुख्य धारा किसे कहते हैं आप? तो ये मुख्य धारा में आप देखेंगे कि वो चीजें आती हैं, वो साहित्य आएगा जो कहीं ना कहीं से सिक्योर्ड है, सुरक्षित है। यानी कि उसको संस्थान, विश्वविद्यालय या जो है अकादमियां विभिन्न, वो उसे संरक्षित करती हैं। हाँ, ये कई बार लगता है कि शायद ये सिर्फ मामला छोटा मोटा थोड़ा मोड़ा है, लेकिन यह कुल मिलाकर के साहित्य का साहित्य की का जो कोर्स में जाने का जो सिलेबस में पढ़ाए जाने को लेकर के जो एक लोभ है, मोह है लोगों में कि मेरी कविता वहाँ पढ़ाई जाए, ये शुरू से ही रहा है। चूंकि ऐसा कि आप उस किसी भी ऐसे साहित्यकार का नाम नहीं ले सकते हैं, आप भारतेंदु हरिशचंद्र से शुरू कीजिए, रामचंद्र शुक्ल से होते हुए जहाँ भी आइए, ये सब पढ़ाए जाते हैं। किसी ऐसे लेखक का नाम बताइए जिसको ना पढ़ाया जाता। तो ये होता है कि यह एक अमरता का रास्ता भी दिखाई देता है लोगों को। इससे क्या होता है कि जनता कट जाती है, क्योंकि हमारे पास अब टारगेट होता है सिलेबस पढ़ाया जाना, इसके लिए होता है यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से कुल मिलाकर के वो दायरा सिमटता जाता है। बहसें की जाती हैं कि लोग पढ़ते नहीं, लेकिन मामला है कि सिमट के चला जाता है कि पढ़ते नहीं है, चिंता में है, लेकिन हम उसको चिंता नहीं मानते अपनी। पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं वो अलग बात है। बल्कि कई बार तो यह भी कहा जाता है, अभी मनीजर पांडे ने भी अभी अब सुन रहे थे उनका, वो कह रहे थे कि कविता ही क्यों बार बार कविता जाए लोगों के पास, लेकिन लोगों को भी कविता के पास आना चाहिए। लेकिन वो इन्हें बता रहे हैं कि वो कैसे आएगा, क्या वो क्लासरूम के माध्यम से आएगा, वो कैसे आएगा कविता के पास? आप यह एक बड़ा सवाल है, पहले उससे जो है सो आपको जूझना पड़ेगा। तो इस चीज को, इस पर कहीं भी विचार नहीं है। और ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, इसमें इतना यह सत्तारूढ़ हो चुका है, इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत की जरूरत है, और बहुत ज़्यादा लोगों के एकजुट होने की जरूरत है, और ये पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ने की जरूरत पड़ेगी। ये एक आदमी दो आदमी ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, ये सही बात है, लेकिन फिर भी एक कोशिश लगातार होनी चाहिए। मैं यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। जी, जैसे आपने कहा कि मुख्य धारा की जो कविता है या मुख्य धारा का जो लेखन है, हाँ, वो सत्ता पक्ष का लेखन है, सत्ता पोषित लेखन। पक्ष नहीं हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कविता साहित्य में जो सत्ता पक्ष है, साहित्य जैसे इतिहास जैसे राजनीति में सत्ता पक्ष होता है, साहित्य में भी आप कह सकते हैं कि एक सत्ता पक्ष होता है। वह वहां से होता है जहां कि आपका उनके साथ आप कह सकते हैं कि बिल्कुल जहां पर कि वो जो तय करते हैं पुरस्कारों को, जो तय करते हैं प्रकाशन को, जो तय करते हैं सिलेबस में कोर्स के लगने को, तो वही है। उसके बाहर तो फिर आप जहां भी हैं आप सड़क पर हैं। ये स्थिति जो खराब हुई है यह बहुत दिनों से चली आ रही है। आदमी को बाहर हम ये कहते हैं कि अगर हिंदी यानी हिंदी विश्वविद्यालय में या कॉलेजों में क्यों पढ़ाई जाती है, आप कहिए कि इसे क्यों नहीं आप बाहर निकल करके जो प्रोफेसर होते हैं उनको दिया जाए कि आप किस इलाके में आप पढ़ाएंगे, उस इलाके में आप पढ़ाएंगे, इलाका दिया जाए, वहां भी तो बच्चे पढ़ेंगे। आप एक भी उदाहरण नहीं दे सकते हैं कबीर तुलसी से लेकर जिसका भी जो बड़े बड़े नाम हैं कि वो क्लासरूम से आए हों कभी निकल करके। तो
तो जहां पर कबीर पैदा होते हैं, जहां तुलसी पैदा होते हैं, रैदास पैदा होते हैं, मेरा कहने का मतलब है आप उन जगहों पर अगर आप जाकर के पढ़ावें, उनको दिया जाए कि आप जाकर किसी गांव में, किसी कस्बे में, किसी मोहल्ले में जो स्लम एरिया है वहां आप जाके पढ़ाइए, आप ऐसे ही लोगों को बैठाइए पढ़ाइए, तो वो क्या ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा? हो सकता है कि जब वहां पर आप किसी भी कविता की व्याख्या कर रहे होंगे तो उनके बीच से भी कई कविताएं आ सकती हैं, आपको उनकी व्याख्या करनी पड़ सकती है, यह भी हो सकता है। आपको इसके लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि अंततः कविता जो है सो या कोई पूरा साहित्य और कला यह श्रम की उपज है, तो जो श्रम करता है उसके बीच ही आप नहीं जा रहे हैं। श्रम कैसे, श्रम आज श्रम करने वाले लोग लिखते नहीं है, लेकिन श्रम का ऐसा मामला है कि आप देखेंगे कि जो श्रम इतना ज्यादा प्रभावित करता है कविता को, कि कविता या कला या साहित्य के क्षेत्र को, कि जब आप जैसे बहुत बातें होती हैं छंद को लेकर के, अब कह रहे हैं लोग कि अब छंद में वापस आना होगा, छंद में आप कैसे वापस आ जाएंगे? किसी कहने से फैसला करके कर लेंगे, 25 लोग बैठ करके, 100 लोग बैठ के, 200 लोग बैठ करके, 500 लोग बैठ करके, ऐसे हो गई है। क्योंकि तो आपको यह जानना पड़ेगा कि छंद आया कैसे। तो छंद आया आपका वाचिक परंपरा के समय से ही आया, कबिलाए युग में आया, जब अर्थव्यवस्था बहुत सरल था, उसकी जटिलता नहीं शुरू हुई थी, कबिलाई युग था, शिकार पर था सब कुछ। फिर वहां से आपका किसानी आता है, खेती कृषि, और उसके बाद पशुपालन, तब भी बहुत सरल होता है, लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता है, सभ्यता का विकास ही आपके श्रम के विभाजन पर शुरू होता है। तो जैसे जैसे श्रम का विभाजन समाज का विभाजन नहीं है, श्रम का विभाजन समाज को और इंटीग्रेट करता है, उसको और मजबूत करता है, और जैसे जैसे यह होता जाता है वैसे वैसे उसका जो ऊपरी जो सांस्कृतिक ढांचा है वह भी टूटता है। पहले कविता हर जगह शामिल थी, हर जगह, वह आपको मौसम के मौस जो कॉडवेल का कहना, मेरा नहीं कह रहा, ये क्रिस्टोफर कॉडवेल कहते हैं कि मौसम की उक्तियां हो या किसानों की सुक्तियां हो या कोई मंत्र हो या आपको किसी धर्म की कोई गूढ़ोक्तियां हो, ये सब छंद में बातें होती थी। छंद का तो की लयबद्धता से भी बड़ा संबंध था, हालांकि कॉडवेल ने कहा कि संगीत से जोड़कर हम नहीं कह सकते, प्रमाण नहीं है पूरा, लेकिन फिर भी संगीत वहां पर कहीं ना कहीं से आता था। और जब लिपियां आई, जब लिखने लगे लोग, तो लिखने में वह आवेग ही खत्म हो गया। पहले होता था कि आम बातचीत से कविता अलग कैसे दिखे, इसका प्रयास होता था। तो यह प्रयास की अब जरूरत धीरे धीरे, जब जैसे जटिल होता गया सब कुछ, तो यह जटिल होता होता यह धीरे धीरे निकलता, जटिलता को यूं समझिए कि वो जैसे जैसे टूटता है। कॉडवेल एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है कि उन्होंने कहा कि आप गोल्ड फिश, जेली फिश का उदाहरण लीजिए, जेली फिश, उसको आप कहीं से काट दीजिए, वो नहीं मरेगा और न वो अपंग ही होगा, कुछ नहीं होगा, उसी रहेगा वो। लेकिन वहीं पर बोला उन्होंने कहा कि मानव के शरीर को देखिए आप, उसके साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, इसके हर अंग की एक विशेषीकरण जो है वो मानव पूरे संरचना को, उसके जटिल तंत्र जो है इसको वो और संश्लिष्ट करता है, ये जोड़ता भी है, इसका ये बहुत एक साथ एक ताकतवर बनाता है। तो इसीलिए, और यह जो चीजें जब डेवलप करके आई अभी, तो ये छंद वहां से टूटना शुरू हुआ और कविता वहां से निकल करके बाहर वो इतिहास, उपन्यास, नाटकों के समकक्ष खड़ी हो गई। तो यहाँ पर जैसे कि कई बार कहा जाता है साहित्य में क्या है कि आप देखेंगे कि जो हिंदी साहित्य की जो आलोचना पद्धति है वो थोड़ा एक पक्षीय, हम बहुत पढ़े नहीं हैं आलोचना सबकी, लेकिन हमको लगता है कि वह एक पक्षीय है, क्योंकि वह व्यक्ति पर बात करती है। जैसे कहा जाता है कि निराला ने छंद को तोड़ा, भाई कैसे तोड़ दिया, एक आदमी कैसे तोड़ देगा छंद? यह छंद तो पूरे आर्थिक संरचना के कारण टूटा। हो सकता है अगर कोई खोज करे, शोध करे, तो पता चलेगा कोई जो उस समय के जो मामूली कवि थे उन्होंने भी इसे तोड़ा था, लेकिन निराला बड़े कवि थे तो उनके साथ ये चीज जुड़ गई। इसलिए कि छंद को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं तो वो आदमी बड़ा हो जाता, वो कवि बड़ा हो जाता जो कि नहीं बड़ा हो पाया, मान लीजिए। तो छंद का तोड़ना, क्योंकि छंद टूट रहा है अपने समय के कारण, उस अपनी जटिलता, सामाजिक संरचना की जटिलता के कारण वो टूट रहा है, वो एक आदमी से नहीं टूट सकता है।
तो ये न उसको एक आदमी 10 आदमी 100 आदमी जोड़ सकते हैं। और अगर जो कहते हैं कि निराला ने तोड़ा, तो दूसरे कवियों ने क्यों तोड़ा? क्योंकि यह तो सब मानते हैं कि निराला को उनके समय में ही उपेक्षित किया गया था। एक उपेक्षित कवि बड़े हैं तो क्या उपेक्षित कवि हैं? उनके सामने जो है सो आप पंत को साहित्य अकादमी का सम्मान देते हैं, महादेव वर्मा को देते हैं, उनको तो नहीं दिए। तो उनके तोड़ने से दूसरे लोग क्यों तोड़ने लगेंगे? क्यों गद्यात्मक उनके पास तुरंत मुक्ति बोध आते हैं? उनके जो देखिए दो जैसे मान जैसे लीजिए आपने जो कहा कविता की पंक्तियां जो बोली जाती हैं रंजीत भाई, वो। मैं ये हेलो कह रहा था कि जी, जैसे आपने बिल्कुल सही बात कही कि साहित्य का जो सत्ता पक्ष है वो जी, साहित्य पर हावी है, लेकिन हाँ, इसे हम मुख्य धारा नहीं कह सकते, क्योंकि मुख्य धारा तो जो मुख्य हम धारा लोग विधायक पढ़ाते कुछ होता नहीं है। मुख्य धारा कहते हैं बोलचाल में, ऐसा कुछ है नहीं। और मैं यह कहूंगा कि यह जो सत्ता पक्ष है, वो जो हिंदी साहित्य जो बचा हुआ है, यानी कि जो जहां पर सिर्फ कुछ सवर्ण बचे हैं, क्योंकि स्त्री साहित्य करके भी स्त्री को अलग है, सवर्ण पुरुष ही कहिए बल्कि, तो वहां आप देखेंगे जैसे दलित साहित्य 30 साल में देखिएगा कि वहां दलित साहित्य पे भी एक सत्ता पक्ष आया और दूसरे सैकड़ों लोग लिख रहे हैं, 1000 लोग लिख रहे हैं, उनका संघर्ष वहां जारी है। जो संघर्ष यहाँ था वहां अब दलित साहित्य के अंदर उनका जारी हो गया है। तो और यही आदिवासी साहित्य के साथ भी है। आदिवासी साहित्य थोड़ा सा आराम इसलिए है, उतना उतनी बेचैनी नहीं इसलिए है क्योंकि आदिवासियों की अपनी भाषा भी है और वो भाषाएं वहां पढ़ाई जाती है। उनकी बेचैनी हिंदी में है सिर्फ, नहीं तो अपनी जो भाषा है मुंडेरी हो कुराव हो जो भाषा में लिखते हैं वो लिख सकते हैं और लिखते भी रहते हैं, तो वहां पर उनको थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, वहां पर उनका उनका ये सुकून है। लेकिन हिंदी में जब आते हैं तो यहाँ पर जैसे देखिएगा कि फिर कोर्स की बात आई, ये कहाँ से पैदा होता है आपका? देखिएगा बहुत चीज, दो चीज है ना, एक चीज है कि हिंदी साहित्य में अगर जितना भी हर चीज का एक फंड होता है, रुपया होता है, कितना है, तो उसका 90% 95% किसके हाथ में कब्जा उसका है? जिसके हाथ में उसका कब्जा है उसका उसका चलता है, सीधी बात है। ये सब कुछ उससे जुड़ी हुई चीजें हैं। तो यही चीज आप देखिएगा साहित्य हिंदी में भी, आपका एक पेपर दलित साहित्य का होगा, एक पेपर उर्दू माने कि आदिवासी साहित्य का भी होगा, तो कुछ लोगों को उसमें पढ़ाया जाता है, बाकी बहुत सारे लोग छूट जाते हैं। तो जो लोग छूट जाते हैं, जो नहीं आते हैं, उनकी वहां बेचैनी शुरू होती है। तो ये जो कुल मिला के इसलिए क्योंकि हम सब उधर ही देख रहे हैं, जब उधर देखना ही बंद कर देंगे, ये देखना तभी बंद होगा जब आप देखिए उस समय की मजबूरी और थी। जब 1803 में हिंदी विभाग खुला था विलियम वो कॉलेज में, तो उस कॉलेज में जब खुला था तो उसमें कविता किताबें नहीं थी हिंदी की, और आज की तरह वहां पर उस समय में आप तुलसी सूर को नहीं पढ़ा सकते थे हिंदी में, इसलिए कि ब्रजभाषा का अलग विभाग खुला हुआ था, वो पढ़ाते थे उनको। आपके पास था नहीं, तो आपके पास उस समय जो भी पढ़ाने के लिए जो नियुक्त हुए थे, ललू लाल हो, सदल मिश्र हो, जो हो, उनको ही जिम्मेदारी दी गई थी, निर्देश दी थी कि किताब लिखिए ताकि पढ़ाई जाए। तो किताब हिंदी का वो आज हिंदी साहित्य से बाहर है क्योंकि वो आज के कोर्स में सब नहीं है, भारतेंदु से शुरू होते हैं कोर्स लगना, इसलिए उनके बाद के लोग को हम जानते हैं, उनको नहीं जानते। तो उन लोगों ने इसके लिए किताबें लिखी, यानी वहीं से शुरू हो जाता है कि हम कोर्स के लिए लिखने का मामला वहीं से शुरू है, उसको वहीं दफन कर देना चाहिए था। आज के दिन में अब जब बहुत सारी किताबें हैं हमारे पास, एक से एक कवि हैं, लेखक हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि जो लेखक कवि आज लिख रहा है, जीवित है, अभी उसकी सक्रियता बाकी है, सृजनशीलता बाकी है, हम उसकी किताबों को पढ़ाएं। इतना इंतजार हम कर सकते हैं, विश्वविद्यालयों को करना चाहिए, यह जरूर करना चाहिए। यह नहीं करने से सारा खेल सिमट करके वहीं चला जाता। आप लाख बोलते रहिए, बोलते ऐसे ही सगल के लिए बहस है भाई, लोग पढ़ते नहीं, लोग तो जाते नहीं, 300 छपती है प्रति, वही बिकती नहीं, कहते रहिए। तो ये तो इसकी असल चिंता किसी को है नहीं, ऐसे ही बोलने के लिए बातें हैं। तो ये कुल मिला के मामला है, इसीलिए इसको बहुत ही यहाँ पर अब आप देखेंगे कि प्रतिरोध की जो धारा है, इसका एकमात्र है मकसद है, हमारे जुटान का ये मकसद है। आप देखेंगे अभी तक हम जिनको जो आएंगे साथी, वो बहुत विभिन्न इलाकों के, इलाका भी यहाँ ऐसा है कि कुछ गढ़ जैसा है, उन गढ़ों से बाहर सुदूर, कल बोलने आएंगे मान लीजिए, अब ऐसे ही बोल रहा, अरुणाचल प्रदेश की जमुना भी नहीं है, कोई कहीं से कोई बोले तो उनको, वो भी तो हिंदी में लिख रहे हैं, हालांकि वो उस तरह उपेक्षित नहीं है, उनकी किताबें
उसी कोटे में चलती है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उनकी पढ़ाई होती है किताब, हाँ वो प्रोफेसर हैं खुद, लेकिन फिर भी वो हिंदी साहित्य के जो कई डिस्कोर्स से बाहर है, जो पढ़ाई हो जहाँ हो वो आदिवासी कोटा में है लेकिन वो हिंदी में लिखती हैं, तो उनको हिंदी में बात होनी चाहिए उनकी, तो हिंदी साहित्य का भी चेहरा वैसे बदल सकता है। हाँ लेकिन वो इन सब चीजों पर जो अब एक तरह का जो अब आप देखिएगा बहुत सारी बातें हैं जिसको कि हम लोग जिस पर हम लोग कुछ चीजों पर बात करते ही नहीं, जैसे कि अब कविता की कसौटी क्या हो, क्या कविता की कसौटी होनी चाहिए, तो जाहिर है कि वो समय ही होगा, समय के अलावा वह काल उस कालखंड के अलावा और क्या हो सकता है। तो इसमें अगर आप बहुत सारी कविताओं को देखेंगे, कविता कविता की कसौटी तो जनता होती है और पाठक होगा। हाँ होगा तो पाठक कहने से, तो पाठक का क्या है मामला कि पाठक कहने से आपको लगेगा कि पाठक तो अमीर भी है और गरीब भी है, पैसा गरीब पाठक है भी नहीं, अमीर ही है सब, पढ़ा नहीं, लिखा लोग है, कम पढ़ा लिखा नहीं है पाठक। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, हाँ गोरख पांडे जब जिंदा थे, और गोरख पांडे जब बहुत सक्रिय थे, तो जी मैंने उनका कविता पाठ यूनिवर्सिटी में कराया, हॉस्टल्स में कराया, मैंने उनका कविता पाठ गांवों में कराया, और मैंने देखा कि वो लोग उनसे रिलेट करते थे, लोग उनकी बातें समझते थे, और मतलब वो उनकी कविता पर इतना मुग्ध हो जाते थे। तो इस दृष्टि से अगर देखें तो गोरख पांडे एक बड़े कवि थे, जनता के बड़े कवि थे। नहीं, होता है क्या कि फिर देखिए होता है क्या, सो बताते हैं आज के दिन में कोई कविता जैसे श्रम को लेकर के नहीं, श्रमिकों के लिए नहीं लिखी जाती, यानी कि जो नाविक गीत गाता है वो 200 साल पुराना गीत हो सकता है, जो वहां से आते आते स्मृतियों से बदल गया वो अलग बात है, लेकिन वो 200 400 नाम नहीं किसका है। जो गीत स्त्रियां गाती हैं फसल काटने वक्त, जो गाती हैं फसल बोने वक्त, या जो माएं गाती हैं लोरियां, या जो आपको जो सोहर के गीत होते हैं शादियों गीत, ये सब आज का कोई 200 साल से कोई नहीं लिखा हिंदी में। अगर हिंदी साहित्य का इतिहास 200 साल का है तो 200 साल से कोई लिखा हुआ नहीं, तो ये सारे गीत पुराने हैं और ये जहाँ के वो रहते हैं वहां की बोलियों में हो, मगही में होगा, भोजपुरी में होगा, मैथिली में होगा, अवधी में, ब्रज में, लेकिन इन हिंदी में नहीं मिलेगा आपको, फिल्मी गीत मिल जाएगा हिंदी में आपको इस तरह का, लेकिन वो ऐसे साहित्य में नहीं आएगा। तो इसी तरह से जो आपके हमारे समय के दो ऐसे कवि हुए, एक जो नहीं है गोरख पांडे, और एक जो भी है और रहेंगे लंबे समय तक हम लोग के साथ रहेंगे, बल्ली सिंह चीमा, ये दो ऐसे क्रांतिकारी कवि हैं कम से कम जो आंदोलनकारियों को लुभाते हैं, और आप दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर चंपारण तक हमने देखा बल्ली सिंह चीमा का गीत गाते लोग जुलूस में नारे में जा रहे हैं, ले अंधा ले मशाले चल पड़ेंगे लोग मेरे गांव के। हमने पूछा दोनों जगह, पूछा हमने कई जगह पूछा जहां भी देखते हैं कि किसका गीत है, तो वो नहीं जानते किसका गीत है, उनको नहीं पता, तो बोले कैसे गा रहे हो, तो कहा कि वो कोई कॉपी या कुछ किताब अजीब सा दिखलाते हैं उसमें कई गीत लिखे होते हैं, ये भी गीत लिखा उसमें, नाम वाम किसी का नहीं है, तो वह दर्जा वो अलग है फिर। तो वह जो है वो आंदोलनकारियों के गीत तो चल रहे हैं अभी भी, क्योंकि आंदोलन अभी कहीं ना कहीं होता है तो गीतों की जरूरत पड़ती है, लोग फैज को गाते हैं, गोरख पांडे को भी गाते हैं, बल्ली सिंह चीमा को भी गाते हैं, वहां पर उनकी जरूरत है, लेकिन और इस अर्थ में वो बड़े कवि हैं, निश्चित रूप से बड़े हैं, और उनका जो, लेकिन जो हिंदी साहित्य में आप खुद समझ सकते हैं कि वे उपेक्षित रहे, हमारे और आपके बड़े कहने से नहीं होंगे, वो उपेक्षित रहे वो, और एक उन्होंने बात जो अच्छा बताइए, प्रदर्शन मिला। जी 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 तो चूंकि मैं भी लिखता पढ़ता रहता हूँ, ये सवाल मुझे बहुत परेशान करता है कि जी हम जो लिख रहे हैं ना, मान हाँ लिया मैंने किसानों के बारे में लिखा, मैंने मजदूरों के बारे में लिखा, मैंने महिलाओं के बारे में हाँ लिखा, और हमने कभी ये सोचा भी नहीं कि महिलाओं की प्रतिक्रिया इस पर क्या होगी, किसानों की प्रतिक्रिया इस पर क्या होगी, मजदूरों की। मतलब हम जो है वो 8 10 15 बुद्धिजीवी बैठ के अपनी कहानी पढ़ लेते हैं, अपनी कविताएं पढ़ लेते हैं, और हम अपने को मतलब एक दूसरे की तारीफ कर लेते हैं या एक दूसरे की आलोचना कर लेते हैं, और हमारा हमारा लेखन वहीं तक महदूद होके रह जाता है।
कसौटी तो मेरे ख्याल से अंततः जनता ही होती है। अंततः जनता है, और जैसे कि अंततः जनता ही चुनती है सरकार को इस लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र का फार्स ये है कि जनता कहती कुछ है, चुनाता कुछ है। जनता चुनती है किसी और वादे पर, होता कुछ और काम है। तो उसी तरह से आप मामला कुल मिला के फिर कहाँ अटकता है? अटकता वहां है जहां पर कि जो उसका उसकी जो साहित्य पर, जहां साहित्य की जो पूंजी है, पूंजी पैसा, वो जो पूंजी जो है, फंड जो है, वो कहाँ है, किसके पास है, वो किसके पास है और कौन तय कर रहा है, वो बहुत सबसे जरूरी है। वही तय करता है कौन बड़ा है, कौन छोटा है। छोटा बड़ा आप कहते रहिए, किसी को छोटा वो 100 यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा, क्या कर लीजिएगा उसकी, वो तो बड़ा हो गया वो। तो आप कई ऐसे नाम मिलेंगे आपको उस तरह के हैं, तो ये खरीदारी होगी उनकी, आपकी नहीं। आप किताब खुद भी छपा रहे, प्रकाशक आपसे बोलेगा दीजिए पैसा तो छापेंगे, क्या कीजिएगा। ये सारी बातें तो इतनी खुली हुई हैं कि इस पर कोई छिपी बात तो है नहीं। और ये सब हम जो शोषण के खिलाफ बात करते हैं, वो प्रकाशक खुद हमारा शोषण करता है। तो आप क्या कीजिएगा। जैसे पत्रकार सबके लड़ने की बात करते थे, वो अपने संस्थान में खुद लड़ नहीं पाते थे। तो ये आज के समय की विसंगति है, इस विसंगति में रहना पड़ेगा। एक सवाल और है, एक सवाल और है जी, और ये महत्वपूर्ण सवाल है जी। आपके पास अनुभव है प्रतिरोध की कविताओं का, उस प्रतिरोध की कविताओं को लेकर के आंदोलन का। मैं यहाँ पर एक जानना चाहता हूँ कि महिलाएं जो कविताएं लिख रही हैं और जो मतलब जो हम जिसको साहित्य की मुख्य धारा समझते हैं, जो मतलब शोषित लोगों के लिए, पीड़ित लोगों के लिए, उत्पीड़ित लोगों के लिए जो उनके उनके दुख दर्द को बयान करता, उसको मैं मुख्य धारा कहता हूँ। तो महिलाओं की कविताओं का जिक्र क्यों नहीं होता? क्या महिलाएं प्रतिरोध की कविताएं नहीं लिखती? क्या अभी भी वो घरों तक ही केंद्रित हैं, सीमित? नहीं, लिखती हैं, वो लिखती हैं, बिल्कुल लिखती हैं। और उनके पास प्रतिरोध, देखिए प्रतिरोध का स्वर तो उनके पास मिलेगा ही, वो मिलेगा। और राजनीतिक प्रतिरोध ही नहीं होता है, एक सामाजिक प्रतिरोध भी होता है, और बल्कि जो है सो एक जातीय प्रतिरोध भी होता है। सब मिला करके काम होता है, और ऐसा नहीं है। और भले यह बात और है कि जैसे मान लीजिए हम नक्सलवाड़ी मूवमेंट में जाएं, तो उसके आंदोलन से के बाद जो कविता में उसका प्रभाव दिखा, तो हमने बहुत खोजने के बाद भी बहुत बाद में एक नाम कात्यायनी का आता है, नहीं तो कवित्री में कम से कम कवि कितने आए, लेकिन पता नहीं और होंगे, मुझे ख्याल में नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि भूमंडलीकरण के बाद, 90 के बाद या इस नई शताब्दी में, और खास करके इस फेसबुक के आने के बाद बहुत सारे कवित्री आई हैं। हम सबको नहीं कह सकते कि नहीं अच्छी है, बहुत अच्छी कवित्रियाँ भी हैं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कविताएं लिख रही हैं वो। और उनको उनका लेकिन एक बड़ा ऐसा नहीं कि उनके पास प्रतिरोध नहीं है, बल्कि मुझे तुरंत आप पूछ दिए तो नाम हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन कई लोगों में ठीक है वो जैसे आदिवासियों से ही देखिए, वो जसिंता है, बहुत अच्छी कविताएं लिख रही है। और हमको हम इधर ही खोजते रहेंगे अपने ही शहर के मध्य वर्ग में, तो थोड़ी परेशानी हो सकती है। आप अगर बाहर निकल के जाएंगे, यानी कि जिनको हिंदी साहित्य से बाहर किया गया बाड़ा बना करके, तो वहां आपको कविताएं मिलेंगी। नहीं, जैसे मान लीजिए कि अनुवाद भी होता है, जैसे मान लीजिए तमिल कविताओं का अनुवाद होता है, बांग्ला कविताओं का अनुवाद होता है, उड़िया कविताओं का अनुवाद होता है। जी, मैं तो चूंकि किताबों के बीच में ही रहता हूँ, पढ़ता लिखता रहता हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि अनुवादक भी प्रेफर पुरुष लेखकों की रचनाओं, पुरुष लेखकों की कविताओं का ज्यादा करते हैं, महिला लेखकों का चयन बहुत कम होता है। मतलब जैसे अगर मैं किसी से पूछूं कि आज बांग्ला में लीडिंग जनपक्षधर कवि कवित्री कौन है, या तो लिखा नहीं जा रहा है, और अगर लिखा एक बात तो ये है रेखांकित नहीं कर पा रहे हैं। हाँ नहीं, वो भी बस दोनों बात सही है। बात यह है क्या, कई बार
कि आप यह भी देखेंगे कि जो महिलाएं लिखना शुरू की बहुत कम है जो बहुत दिन तक कंटिन्यू भी करती है, बहुत लोग बीच में गायब हो जाती है, जैसे ड्रॉप आउट स्टूडेंट होते हैं ना, उस तरह से कुछ कवित्री भी या कवि भी, कवित्रियों की संख्या ज्यादा है जो आती हैं कुछ दिन में चली जाती हैं, वो गायब भी हो गई, यह भी होता है। दूसरी बात यह होती है कि उनका जो बाहर का जो एक्टिविटीज है, बाहर की जो गतिविधियां हैं, वो इस समाज अब वो बढ़ रही हैं, तो अब आपको उदाहरण बहुत मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है, अब आपको ऐसे उदाहरण आने लगेंगे, क्योंकि उनकी गतिविधियां बाहर बाहर की दुनिया में, चाहे वो आंदोलन से ले, आंदोलन में देखिए शाहीन बाग में कितनी लड़कियां थी, हम लोग बहुत ढंग से नहीं जान पाते हैं, हम लोग कुछ नामों को समझ नहीं पाते हैं, और वो वहां पर कितने लोग आए, कविताएं भी लिख रही थी, बोल रही थी, और इस तरह से काम करना चाहिए तो निकल आएंगी। और सामान्य ढंग से अगर देखिएगा तो जो घरों में रहती हैं तो उनकी दुनिया बहुत सीमित भी होती है, तो वो उसको तोड़ करके लिखना बहुत दिन तक कंटिन्यू नहीं कुछ कर पाती होंगी ऐसा लगता है, नहीं तो जो बाहर हैं नौकरी में हैं या बाहर के संघर्ष को देख रही हैं, बिल्कुल जैसे पुरुष उस तरह से बिल्कुल वो अलग ऐसा कुछ नहीं, तो उनके उनके पास भी वो चीजें हैं, बल्कि ज्यादा वो गहरे घाव के साथ है वो चीजें, उनके पास वो चीजें मिलेंगी, यहाँ पर मुझे लगता ईमानदारी है से थोड़ा जाना चाहिए। दृष्टिकोण का भी सवाल है, क्योंकि जैसे अगर देखा जाए तो सत्ता पक्ष के जो कवि हैं जिनको आप बोल रहे हैं सर, कविता के क्षेत्र में सत्ता पक्ष, तो उनका नजरिया भी कुछ मुझे लगता है कि वो महिलाओं को लेकर के कहीं ना कहीं, इस मुझे थोड़ा माफ किया जाए, पुरुषवादी दृष्टिकोण रहता है। भाई उन्होंने महिलाओं को तो महिला विमर्श करके अलग कर दिया ना, स्त्री विमर्श करके, तो आपको जान जाएगी जिसको आप मेन स्ट्रीम कर, वहां से तो स्त्री विमर्श स्त्री बाहर है, अब वहां से चुन सकते हैं एक दो को, भाई चुन लीजिए एक दो ठो, दलित विमर्श दलित बाहर हैं, दो चार चुन लेंगे उसमें से, हो गया, बाकी जाइए उधर रहिए आप बाड़े को उधर, और दलित आदिवासी से चुन लेंगे दो तीन, बाकी हमको क्या मतलब, तो खेल खत्म है। तो एक बहुत बड़ी आबादी को, लिखने वालों को जो बहुत सही में लिख भी रहे हैं, उनको बाहर इस तरह से कर दिया गया। लेकिन अब मैं अब इसलिए कह रहा हूं बराबर, क्योंकि अब यहां भी इधर भी, पहले ये लोगों को लगता था कि चलो हमको एक दुनिया मिल गई जैसे, लेकिन देखा कि नहीं, यह उपनिवेश मिला है, यह हिंदी साहित्य का एक उपनिवेश है, और यहाँ आप चाहे जो करते रहिए वो उसका कोई बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आने को, उस तरह से है, तो क्योंकि उनके यहाँ ही एक जो है सो सत्ता पक्ष खड़ा हो गया, एक नव ब्राह्मणवाद वहां भी आ गया, अब उनको उनसे लड़ना पड़ रहा है, तो यह जो आया यह ज्यादा खतरनाक आया, ये बहुत बगल में आया, और इससे लड़ने के लिए औजार नहीं है अपने पास, क्योंकि हम लोग साथ लड़ रहे थे अभी, तो यह चीजें जो हैं वहां वहां, तो यही समय है कि जो इधर भी जो मार्क्सवादी हैं और जो अपने आप को प्रगतिशील कहते हैं, या जो कहिए कि, तो और ये सबके मिलने का ये जो एक नारा जैसे दिया था, उस नारे में जाए पॉलिटिकल जो भी उसमें उसका क्या अर्थ होता है नहीं जानते हैं, लेकिन जय भीम लाल सलाम जो कहता है वो, तो इसका समय मतलब होता है, बाकी और कुछ हो या ना हो, लेकिन व्यापक रूप से प्रतिरोध के गोलबंद होने का वक्त है, ये टुकड़े टुकड़े में यह कुंद होता चला गया है, और आप लिखते रहने से कुछ नहीं होने को है, और यह जानते हुए भी अगर जो लिख रहे हैं तो उनको कम से कम आप बहुत सम्मान से देखिए, सोचिए, क्योंकि वह भी चालाकी कर सकता है, वह भी दूसरे उन सारे लंद फंद को अपना सकता है, लेकिन इसके बाद भी नहीं करता है तो कहीं कुछ बात है, तो इन चीजों को ये हर जगह ये चीजें मिलेंगी, और जैसे इसलिए आप निरंतर कोरोना में कार्यक्रम कर रहे हैं जुटान के जरिए, है ना, मैं भी इधर लगातार करीब 30-32 दिनों से तो जी मैं जी भी जी हाँ हाँ कर, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल और मैंने देखा है कि हालांकि मैं बहुत मेरा वो क्या कहते हैं कि बहुत अंदर तक मैं नहीं जा पाया हूँ, लेकिन मैंने कुछ महिलाओं को यहाँ पर आमंत्रित किया और उनकी कविताएं बहुत ही शानदार है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उन्हें एक महिला कवि मान करके हम उन्हें हाशिए पर डाल ना सकते हैं। ना, हमने सुना था भाई, वो थी वो विमल किशोर थी, और वो उन लोगों को सुना मैंने, वो अच्छी कविताएं पढ़ रही थी, बल्कि और भी आप यहाँ देखिए वो जो अभी सीमा आजाद है जो वो बहुत अच्छी कविताएं लिख रही हैं। मैं कह रहा था कि ठीक है, बातचीत तो हम लोगों की अब समापन की तरफ ही है। वैसे मैं ये जी कह रहा जी था कि,
मतलब ये है कि ये जो खेमेबाजी हो जाती, खेमेबाजी मीन्स जो हम महिला विमर्श के नाम पर, दलित विमर्श के नाम पर, और हम जो है वो महिलाओं को, दलितों को, आदिवासी विमर्श के नाम पर उनको हम किनारे कर देते हैं, और अपनी सुविधा अनुसार जो हमें सूट हाँ करता है, जो हमारी सत्ता को सूट करता जी है, उनको हम छांट हाँ कर हाँ बातचीत हाँ हाँ करने लगते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए परसों या कब है, शैली किरण मेरे जुटान पर आई थी। अब वो दलित है हिमाचल प्रदेश की, और बहुत अच्छी कविताएं, बहुत अच्छे विचार। तो हिंदी में अगर आप पूछेंगे तो कौन बता पाएगा, हम समझ नहीं पा रहे, कोई बता पाएगा कि शैली किरण कोई कवि है। हाँ, तो ये शैली किरण, तो इस तरह के कई नाम मिलेंगे अभी, और लगातार ये जो है सो ये तो है ही बिल्कुल। हिंदी को बड़ा संकुचित किया गया ना, एकदम छोटा सा दायरा में लिया गया, जबकि हिंदी बोलने वालों की आबादी सोचिए 35-40-50 करोड़ से ऊपर है, और उसको आप 100-200 लोग में समेटिएगा तो कैसे होगा। इस 50 करोड़ में लाख लोग लिखते होंगे। अगर मैं बहुत पुराने समय की बात कीजिए तो एक देखिए बताता हूं मैं, ये एक है, ये मान लीजिए कि देखिए ये बहुत चौंकाने वाली बात भी है। ये एक हिंदी साहित्य का इतिहास जो मिश्र बंधु विनोद ने लिखा था, या कई लोगों ने लिखा, मेरे पास उनका एक पन्ना है। वो पन्ना इसलिए है कि इसमें एक कवि हैं, उनकी आगे संख्या लिखा हुआ है 4562। ये 1928 की किताब है शायद, ये 29। हाँ, और आप सोचिए कि 28-29 में ये किसी को भी चौंकाएगा कि 4569 ये खत्म नहीं है, ये र से नाम है वहां आया है, उसके बाद अल्फाबेटिकल है, तो वो जाएगा कहाँ तक और पता नहीं, वो ये जाएगा आपका 5,000 से ऊपर। हाँ, तो इतने कवि उस समय 1928-30 में लिख रहे थे, जो कि जाहिर है कि वो सबको नहीं समेट पाए होंगे, छूट गए होंगे उनसे भी, मिश्र बंधु विनोद से भी। हाँ, तो अब आप कल्पना कर सकते हैं कि आज के डेट में, तारीख में 1 लाख से कम हम नहीं समझते हैं कि लिख रहे होंगे। अगर हम तमाम हिंदी में लिखने वाले, माने कि जाति और धर्म को से अलग हट करके सोचे, तो 1 लाख से ऊपर है यह संख्या। और नहीं, मेरे ख्याल से जब इसको से ये आया है, ये सोशल मीडिया जब से आया है, तब से तो बहुत ज्यादा कविताएं लिखी जा रही हैं। लगी है, इसलिए हम ऐसा कहते हैं, नहीं तो वह तो लिख ही रहे थे, वो लिख रहे थे लोग, पहले दिखते। देखिए पहले क्या था ना, संपादक छापेगा तब ना देखिएगा, वो नहीं छापेगा क्या कीजिएगा। अब यहाँ तो फेसबुक में कोई रोक टोक नहीं, हम डाल देंगे, क्या कर लीजिएगा। तो इस तरह से वो चीजें तो आने लगी सामने, तो संपादक का जब हस्तक्षेप गया, और जब आपको कविता में को लेकर के ठीक है, फेसबुक को लोगों ने जानबूझ करके थोड़ा थोड़ी ऐसी जगह बना दी है जो हल्की जगह हो गई है, नहीं तो वहां अगर थोड़ी बातचीत हो और गंभीरता से, तो फिर समझिए एक जगह आकर के आलोचकों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आलोचक जो लिखते हैं, हिंदी की आलोचना पद्धति भी खराब है, आप इसमें सोचिए। अब मैं एक उदाहरण देने का मन कर रहा है हमको, क्योंकि देना कितना ठीक है हम नहीं जानते हैं, क्योंकि लेकिन फिर भी सोचिए कि एक चीज की, निराला का पहला कविता संग्रह किस साल आया था, यह 1923 था। अनामिका जो संग्रह आया था, कविता संग्रह, यह 1923 में आया था। 23 में आया था, इसका मतलब कि उसमें कविताएं जो होंगी 1915, 16, 18, 20, 22, यानी कि वो पूरी कविताएं प्रथम विश्व युद्ध कहिए, उनके समय में वो खाली वर्ल्ड वार ही था, पहला विश्व युद्ध तो तब कहलाया जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, इसलिए उस समय सिर्फ विश्व युद्ध ही था। तो उस विश्व युद्ध के बाद के साथ, और आपका जो है सो स्पेनिश फ्लू, जिसने 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को भारत में मारा था, और पूरी दुनिया में 5 करोड़, यानी जब समझ, और 2-3 करोड़ प्रथम विश्व युद्ध में मरे थे लोग, माने विश्व युद्ध में, तो यानी जब करोड़ों लाशों से धरती पटी थी, तब अनामिका की कविताओं को देखिए और आप बताइए कि यह कविता कब की है, किस कालखंड की कविता है, यह सोचने वाली बात है। क्यों नहीं इसमें उनको, जबकि उनके परिवार के भी लोग मरे थे, ऐसा नहीं कि नहीं, निराला के परिवार के भी लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन पूरी किताब में जब मैं पढ़ता हूं तो अद्भुत ढंग से देखिए, उसमें तो ऐसी एक उदाहरण में ले आया हूं। हाँ,
ये मैं चाहता हूं सिर्फ सुना देना ऐसे ही। ये कविता जो है ये सम्राट एडवर्ड अष्टम के प्रति लिखी गई है। तो भाई इसके प्रति क्या है? तो इसमें वो लिखते हैं कि बहुत भाव विह्वल हो गए, मरे शिकायत नहीं कर रहे हैं उसकी, बहुत भाव विह्वल होकर लिख रहे हैं कि सौरभ प्रमुख प्रेयसी के हृदय से हो तुम, प्रतिदेश युक्त प्रतिजन प्रतिमन, अलिंगित अलिंगित आलिंगित तुमसे हुई सभ्यता यह नूतन, आलिंगित हुई तुमसे यह सभ्यता। यह कैसी सभ्यता है? लाशों से पटी धरती है, करोड़ों लाश, एक दो नहीं। ये एडवर्ड जो क्या अष्टम इसके प्रति, या प्रेसी कविता कुछ भी ले लीजिए, ये ऐसी कविताएं हैं जो कि ऐसे समय की कविता नहीं है। ये बहुत अच्छे दिन जो कहा जा रहा है अभी देश में ना, जो आया नहीं, तो जो अच्छा दिन जिसको कहते हैं, जो आम जनता कहती है, वो अच्छे दिन की कविता है। जब कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है, खेती पूरी हो रही है, घर में अनाज भरा पड़ा है, और कहीं कोई लड़ाई फसाद नहीं है, कुछ नहीं, मौसम बहुत सब साथ दे रहा है आपका, तो आप ऐसी कविताएं पढ़ते हैं। कोई रोग नहीं है कहीं, महामारी और युद्ध के बीच आप ऐसी कविता की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इन बातों को समझना पड़ेगा कि हम इन चीजों को देखें कैसे। हम उन पर सवाल नहीं उठा रहे, हम सवाल उठा भी ले सकते हैं, वो इतने बड़े हैं। हम तो सिर्फ पूछ सकते हैं कि इन चीजों को हम देखें कैसे। यह जरूरी है समझना, क्योंकि जब ये चीज ये ट्रेंड सेटर हो जाती है, फिर आप आज देखिएगा कि पिछले 15 साल से, यानी कि 15 साल से मेरा मतलब है कि आप समझिए इसको सलवा जुड़ूम के टाइम से, जब सलवा जुड़ूम में आदिवासियों को ही स्पेशल पुलिस अफसर बना करके, एसपीओ बना करके आदिवासियों के खिलाफ खड़ा किया गया, और हत्याएं शुरू हुई कि दोनों, तो जो मरे साल आदिवासी ही मरेगा ना, तो वहां से शुरू हुई बात। और 2008-09 में ग्रीन हंट, क्योंकि जब सरवाई जुड़ूंग को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है बंद कीजिए, तो ग्रीन हंट शुरू कर दिया। और फिर 14 के बाद का खेल आप देख रहे हैं, मॉब लिंचिंग से लेकर नागरिकता के सवाल तक। अब आप देखिएगा कि अभी हिंदी में कई ऐसे बड़े कवि हैं, कुछ को अगर छोड़ दें हम, तो उनके पास 15 साल में इन चीजों को लेकर कोई कविता ही नहीं है। अब इससे भयानक समय कभी कभी इस समय नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा? इस वक्त नहीं बोलेगा तो फिर कब बोलेगा? यह तो सोचने वाली बात है। तो इसलिए इस भूमिका को लेकर के, तो भाई जब निराला ही नहीं बोले थे, 5 करोड़ लाश गिरी हुई थी तब, तो हम क्यों बोलेंगे? कई करोड़ गिरा है अभी, ये मामला है। तो यह चीज जो है, यह तो है कि आप मतलब कि इन आपको सारे जो मापदंड रखे हैं उसको बदलना पड़ सकता है, बहुत कुछ टूट सकता है, बहुत कुछ छूट सकता है, बहुत कुछ जुड़ भी सकता है। अंत में ताकत ही हिंदी कविता की बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारा क्या कहा जाए जो कि भाई कोर्स के हिसाब से सारी चीजें हैं, तो कोर्स के हिसाब से जो चीजें होंगी तो बहुत दिक्कत पैदा करेंगी वो। आज मान लीजिए भाजपा की सरकार है, भाजपा कांग्रेस की सरकार नहीं है, जो इन चीजों के लिए कम्युनिस्टों पर डिपेंड करती थी, उसके पास अपना संस्कृति, अपना उसके उसके जो है जो सांस्कृतिक योद्धा लोग हैं, उनके अपने कवि हैं। आज उनकी नजर गई नहीं गई, कितना गई नहीं, अकादमी को तो कब्जा कर ही लिया, साहित्य अकादमी को, अब उनके हिसाब से सब होगा। वो यूनिवर्सिटी में भी उनके लोग आ गए हैं, सिलेबस चेंज हो रहा होगा, हम नहीं जानते हैं, हम वहां के आदमी नहीं है, तो कितना कहाँ क्या हो रहा है, तो वहां से वो बाहर होंगे। तो ये मामला जो है, तो अब ये कुल मिलाकर के अब देखिए, तो ये सारी चीजें हैं, तो इनको आपको अंततः तो माने प्रतिरोध ही है जो बचेगा ना आपको, आप वही आपको बचाएगा भी, प्रतिरोध बचेगा ही नहीं, वो आपको बचाएगा भी। चलिए, बात करके बहुत अच्छा लगा। और यह है कि हम तो चाहते हैं कि ये बात चलती रहे लंबी, लेकिन और जी, भी कुछ नहीं नहीं चीजें भाई, हैं। हाँ हाँ नहीं है, अब आपका हम फिर से स्वागत करते हुए आप अनुरोध करेंगे कि आप अपनी कुछ कविताओं का पाठ यहाँ प्रस्तुत। मैं कुछ, समय कितना होगा बचा होगा आपके पास? आप कितनी कविता पढ़ेंगे, लंबी है कि छोटी है? भाई ऐसा है कि अब मेरा क्या कहा जाए, मैं जहां पर आप लोग कहेंगे कि अच्छा हो गया, मैं दो तीन ऐसे कविताएं, तीन चार कविताएं
नहीं, मैं 3-4 कविताएं पढ़ दूंगा ना। ये मैं एक कविता कभी जी, कभी कभी सम्मेलन तो हो नहीं रहा है कि मैं कहूंगा कि भाई माइक वाला हूं और तंबू वाला हूं और आप। नहीं फिर भी हाँ, नहीं ठीक है तो नहीं, 4-5 कविताएं पढ़ देता हूँ, है ना। हाँ पढ़ी है। तो कविताएं मेरी थोड़ी बड़ी भी होती है, वो छोटी नहीं भी होती है, कुछ छोटी भी, अब क्या कहा जाए। तो ये कविता है जिसका शीर्षक हमने दिया है कि कवि इन हत्यारों को दंडित क्यों नहीं करता। अमेरिका के ह्यूस्टन शहर का पुलिस प्रमुख, अमेरिका के ह्यूस्टन शहर का पुलिस प्रमुख अमेरिकी राष्ट्रपति को फटकार लगाता हुआ कहता है, चुप रहें। अमेरिकी राष्ट्रपति को फटकार लगाता हुआ कहता है, चुप रहें। फिर सख्त हिदायत देता है कि अगर आपके पास रचनात्मक करने के लिए नहीं है कुछ, तो अपना मुंह बंद रखें। सोचिए, एक शहर का पुलिस प्रमुख कह रहा है ऐसा। सोचिए, एक शहर का पुलिस प्रमुख कह रहा है ऐसा। क्या हमारे देश के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी ऐसा कह सकता है? यहां भी तो प्रधानमंत्री जब जब मुंह खोलते हैं, दिल में या देश में न जाने कितने फफोले पड़ जाते हैं। ऐसे में यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि इस देश में किस पर है न्याय की रक्षा का भार? ऐसे में यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि इस देश में किस पर है न्याय की रक्षा का भार? कौन लगाएगा फटकार? क्या जनता पर है? क्या जनता पर है? अगर है तो वह कार्रवाई क्यों नहीं करती? वह हमेशा कंधे झुकाए चुपचाप लौटती क्यों दिखती है? जबकि यहां न जाने कितने जॉर्ज फ्लॉयड रोज मारे जाते हैं जॉर्ज फ्लॉयड के सामने। क्या न्याय की रक्षा का भार कवियों पर आ गया है? क्या न्याय की रक्षा का भार कवियों पर आ गया है? तो कवि इन हत्यारों को अपनी कविताओं में दंडित क्यों नहीं करता? फटकार क्यों नहीं लगाता? अगर वह इतना भी नहीं कर सकता है तो वह क्यों लिखता है कविताएं? क्या उसकी कविताओं का दम नहीं घुटता? क्या उसके विचार कभी चीखते नहीं कविता के अंदर कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं? ये एक कविता हुई। और मैं दूसरी कविता है जो मैं सुनाना चाहूंगा आपको। इधर कविता मैंने फेसबुक पर लगाई थी, मुर्दाखोर हंस रहा था। एक जिंदा आदमी भटकता है एक जिंदा शहर की तलाश में। एक जिंदा आदमी भटकता है एक जिंदा शहर की तलाश में और मुर्दा हो जाता है। टेलीविजन पर एक मुर्दा चीखता हुआ पूछता है मृत सवाल। टेलीविजन पर एक मुर्दा चीखता हुआ पूछता है मृत सवाल, जिसका मृत जवाब चीखता हुआ देता है दूसरा मुर्दा टेलीविजन पर। मृत सपने लिए करोड़ों लोग निकल पड़े हैं। वे जहां से आ रहे हैं वह जगह पहले से मरी हुई थी। वे जहां जा रहे हैं उसे मुर्दों की बस्ती घोषित किया जा चुका था। जनतंत्र पहले ही मर चुका था, संसद मर चुका था, अदालतें मर चुकी थीं, बहसें मर चुकी थीं, फैसले जो भी आते थे मरे हुए आते थे। संविधान का नाम मरी हुई किताबों की सूची में सबसे ऊपर लिखा मिलता था। मरे हुए लोग देख रहे थे लोगों को मरते हुए। मरे हुए लोग देख रहे थे लोगों को मरते हुए प्लेटफॉर्म पर, सड़क पर, पेशाब घर में, और उनके इस तरह मरने पर वे उन्हें गालियां दे रहे थे। मुर्दाखोर हंस रहा था, जिंदगी मौत से ज्यादा काली हो चुकी थी। वाह वाह, ये एक तीसरी कविता मैं चाहूंगा कि ये जो कहा जाता है, मतलब कि प्रवासी जो कहा गया, तो मैंने इस पर एक कविता लिखी कि सिर्फ
नहीं, मैं ये कविता सुनाता हूँ, ये अंतिम भी हो सकता है। लहू मिलाओ तो शायद रंग निखरे। ये इसमें, इसको मैंने चार पांच पांच खंडों में, ये कविता है, छोटी छोटी छोटे छोटे खंड हैं। हाँ, तो लहू मिलाओ तो रंग निखरे, इसका पहला है। उसे नहीं पता था वह कितनी दूर से आ रही है, उसे नहीं पता था वह कितनी दूर से आ रही है, उसे नहीं पता था उसे और कितनी दूर जाना है। गोद में बच्चा था वह उसका था, सिर पर गृहस्थी का सामान था उसका था, उसके तलवे की खाल सूखी धरती सी फट चुकी थी। उसके तलवे की खाल सूखी धरती सी फट चुकी थी, यह धरती उसकी थी। पत्रकार ने पूछे कुछ सवाल, पत्रकार ने पूछे कुछ सवाल, उसने दिए कुछ जवाब, जवाब से पहले उसके चेहरे पर दिखी एक मुस्कान, हजारों दुखों को लांघ कर जो आ रही थी, आंसुओं का एक सैलाब था पीछे, पूरी कायनात डूब जाए जिसमें। इसका दूसरा है, छोटा सा खंड। 4 साल का होगा धूप में था वह, 4 साल का होगा धूप में था वह, उचाट सड़क पर, 4 साल का होगा धूप में था वह, उचाट सड़क पर निढाल होता चलता जाता। उसे सैकड़ों मील दूर अपने गांव नहीं जाना था, उसे सैकड़ों मील दूर अपने गांव नहीं जाना था, वहां तो माँ जा रही थी, जो चलती जाती थी उससे 10 कदम आगे, उसे माँ के पास जाना था, उसे माँ के पास जाना था, जो दिखती थी बस 10 कदम आगे। वह पीछे छूट गए 100 मील दूर गांव से, चलता नहीं आ रहा था, वह 100 मील दूर पीछे छूट गए गांव से, चलता नहीं आ रहा था, 10 कदम पीछे चलती आ रही थी उसकी बहन, वह उसी के पास से चलकर यहां तक आया था। किसी ने राह चलते उसके हाथों में खाने का पैकेट थमाया, उसने आवाज लगाई, किसी ने राह चलते उसके हाथों में खाने का पैकेट थमाया, उसने आवाज लगाई, माँ खाना मिल गया, अब तो माँ रुकेगी। वह लगातार आवाज लगाता गया, उसकी आवाज का रुआंसापन लगातार बढ़ता गया। तीसरा है, सैकड़ों मील चलने के बाद वह भूल गया था अपने गांव का नाम, सैकड़ों मील चलने के बाद वह भूल गया था अपने गांव का नाम, निढाल हो गया था वह खाने के सवाल पर, वह भूख भी भूल चुका था। चौथा उसका हिस्सा है, पांचवा है, पांच हिस्सा है, चौथा है ये। रात जैसे जैसे गहरी होती जा रही थी, रात जैसे जैसे गहरी होती जा रही थी, उनकी चाल तेज होती जा रही थी, रात जैसे जैसे गहरी होती जा रही थी, उनकी चाल तेज होती जा रही थी, वे दिन में नहीं चल सकते थे, छोटे छोटे बच्चे थे साथ, वे दिन में नहीं चल सकते थे, छोटे छोटे बच्चे थे साथ, जिनके मुलायम तलवे कोलतार की गर्म सड़क पर मोम की तरह पिघलते थे। ये अंतिम है इसका। हम सोमालिया के कट चुके जंगल के बियाबान अंधेरे में हैं, हम सोमालिया के कट चुके जंगल के बियाबान अंधेरे में हैं, असंभव है आज की तारीख में स्याही से कविता लिख पाना, आंसुओं से कोई लिख दे अब यह भी नहीं मुमकिन, आंसुओं से कोई लिख दे अब यह भी नहीं मुमकिन, लहू मिलाओ तो शायद कुछ रंग चटके, जो हंस रहे हैं वे अपराध बोध से मुक्त लोग हैं, जो हंस रहे हैं वे अपराध बोध से मुक्त लोग हैं, तुम उधर मत भटकना बेवजह मारे जाओगे। एक कविता और मैं सुना देता हूं, आपको लग रहा है कि सुनने का मन है, तो ये शाहीन बाग के आंदोलन के वक्त ये कविता मैंने लिखी थी, अंतिम कविता, अंतिम कविता, छोटी कविता है ये शाहीन बाग से बाहर कुछ नहीं है, शीर्षक है ये, शाहीन बाग से बाहर कुछ नहीं है। एक औरत शाहीन बाग का पता पटना में पूछ रही थी, एक औरत शाहीन बाग का पता पटना में पूछ रही थी, एक औरत
कलकत्ता में बस कंडक्टर से लगातार शाहीन बाग का टिकट मांग रही थी। एक औरत मुंबई में अपने पति से कह रही थी, शाहीन बाग जा रही हूं, शाम तक न लौटूं तो समझना गिरफ्तार हो गई, बच्चों को संभाल कर रखना। एक औरत मुंबई में अपने पति से कह रही थी, शाहीन बाग जा रही हूं, शाम तक न लौटूं तो समझना गिरफ्तार हो गई, बच्चों को संभाल कर रखना। एक औरत दिल्ली में दूसरी औरत से पूछ रही थी। आप कह रहे थे कि औरतें कविता क्यों नहीं लिखेंगी कविताएं। एक औरत दिल्ली में दूसरी औरत से पूछ रही थी, शाहीन बाग के बाहर कितने शाहीन बाग हैं। एक औरत दिल्ली में दूसरी औरत से पूछ रही थी, शाहीन बाग के बाहर कितने शाहीन बाग हैं। दूसरी कह रही थी, शाहीन बाग से बाहर कुछ नहीं है। वाह वाह, ये कविता मैं पढ़ चुका हूँ, आपने शायद डाला भी था इस फेसबुक पर शायद मेरे ख्याल से। जी 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 हाँ, तो बढ़िया ना, कविताएं बहुत शानदार लिख रहे हैं आप, और शुक्रिया मारक कविताएं शुक्रिया। हैं, मार्मिक भी हैं और मारक भी कविताएं हैं आपकी। रंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना समय देने के लिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और आपका मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को और मेरे दर्शकों को भी ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा और काफी कुछ उनके उनको सीखने को मिला होगा। इसी के साथ हम अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जी शुक्रिया।